हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. जय स्वामी नारायण ऑल ऑफ यू. वेलकम टू क्लास टू इन आत्मीय ग्रीन स्कूल. माय नेम इज़ प्राजक्ता एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर. नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 7. लेट्स स्टार्ट वर्ड 2013. देन आफ्टर वी विल स्टार्ट रिविजन ऑफ लेसन नंबर 5, 6, 7. सो नाउ फर्स्ट ऑल ऑफ यू इन लेसन नंबर 7. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक. वी विल सी what you had learned in this lesson. Okay, so what is the lesson name? Lesson name is the let's start word 2013. Okay, lesson we had already done. So first, what is the word? Word is a word processor is the computer software help you type a text on a computer. Computer word processor ये एक software है, उसके help से हम क्या कर सकते हैं, computer के अंदर text को type कर सकते हैं. देन उसके बाद वी हैड लर्न द हाउ टू स्टार्ट अ वर्ड 2013. उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट वाली बटन होती है ऐसी, उस पर जाके क्लिक करना पड़ता है. देन उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना पड़ता है. देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 के पास, और उसके बाद वर्ड 2013. अदरवाइज यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, वहां पे अगर आप डायरेक्टली वर्ड 2013 भी डालोगे तो ये स्टार्ट हो जाता है. तो कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 एंड वर्ड 2013, वहां पे जाके क्लिक करेंगे. जैसे वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी एक विंडो दिखेंगे, उसमें से ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, उस पर जाके क्लिक करेंगे. देन उस पर जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक ऐसी विंडो दिखेंगी, ठीक है. तो उसमें क्या क्या होता है, देखो ये जो विंडो है इसके अंदर क्या होता है. सबसे पहले ये तो ऊपर जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 3 लिखा है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार, और टाइटल बार ये सबसे ऊपर होता है हमारे वर्ड के स्क्रीन पे. ये कहाँ पे होता है, टॉप पे होता है, ठीक है. उसके बाद ये है फाइल टैब है, इसको बोल सॉरी ये वाला फाइल टैब है. उसके बाद इसके ये जो है ये पूरा, इसको हम बोलते हैं क्यूक असेस टूल बार. ये क्या है, क्यूक असेस टूल बार. क्यूक असेस टूल के अंदर सेव वाली बटन भी होती है, ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पे आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं स्क्वेयर, और उसके अंदर डॉट है, तो ये होता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. उसके बाद यहाँ पे एक हेल्प बटन होती है, क्वेश्चन मार्क रहता है उसको हेल्प बटन बोलते हैं. देन ये मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज बटन, ये क्लोज बटन होती है. मिनिमाइज की साइन माइनस वाला होता है, मैक्सिमम वाला एक स्क्वायर होता है, मैक्सिमाइज और उसको हम बोलते हैं रिस्टोर बटन भी बोलते हैं. देन उसके बाद क्लोज बटन होती है. देन उसके बाद ये ऊपर आपको स्केल दिख रही होगी, उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर. एंड देन उसके बाद ये होता है वर्टिकल रूलर, रूलर होता है ये हॉरिजेंटल रूलर होता है. जो व्हाइट कलर का एरिया है उसको डॉक्यूमेंट्स विंडो बोलेंगे. ये उसके बाद वर्टिकल स्क्रोलर बार है और ये हॉरिजेंटल स्क्रोलर बार है, ठीक है. जो हॉरिजेंटल रूलर होता है उसका यूज किसके लिए करते हैं, मार्जिन छोड़ने के लिए. कहाँ से मार्जिन, लेफ्ट से लेकर राइट तक. ये जो आपको दिख रहा है रूलर हॉरिजेंटल, उसका यूज लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको मार्जिन छोड़ना है पेज में. जैसे हमारे बुक के अंदर पेज होती है, उस मतलब रेड कलर की लाइन होती है उसके बाद ही हम लिखते हैं, सेम इसमें भी मार्जिन छोड़ने के लिए ये हॉरिजेंटल रूलर का यूज करते हैं. एंड वर्टिकल रूलर का अप एंड डाउन, मतलब बॉटम और टॉप में अगर हमें क्या छोड़नी है, मार्जिन छोड़नी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल रूलर का यूज करते हैं. देन वर्टिकल स्क्रोल बार का यूज पेज को अप एंड डाउन करने के लिए करते हैं, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए वर्टिकल स्क्रोलर बार का यूज करते हैं. एंड हॉरिजेंटल स्क्रोलर बार का यूज पेज को लेफ्ट एंड राइट लेके जाने के लिए, लेफ्ट एंड राइट लेके जाने के लिए हॉरिजेंटल स्क्रोल बार का यूज करते हैं. देन ये होता है जो यहाँ पे आपको नीचे माइनस और प्लस का साइन दिख रहा है और यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, ये होता है स्केल होती है, ठीक है. तो इससे क्या होती है, इससे हम पेज को की साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है. देन यहाँ पे आपको दिख रहा है पेज 1 of 1, ये होता है स्टेटस बार. स्टेटस बार में क्या दिखता है हमें, हम कौन से पेज पे हो और हमारे यहाँ कितने पेज है, ठीक है.
तो यहाँ पे पेज ऑफ वन मतलब यहाँ पे वन पेज है उसमें से फर्स्ट वाले पेज है, तो यहाँ पे सेकंड वाला वन है वहां पे लिखा हुआ रहता है कि हमने कितने पेज लिखे है, और यहाँ पे जो पेज नंबर पे है वो दिखता है, ठीक है। देन आफ्टर वी हैड लर्न द क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। अगर न्यू डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम फाइल बटन पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद ब्लैंक वाले डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं, तो हमारे न्यू वाले डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद सेव करने के लिए हमें फाइल टैब पे क्लिक करना पड़ता है, देन यहाँ पे आपको सेव वाला ऑप्शन दिखेगा, वहां पे क्लिक करेंगे सेव वाले ऑप्शन पे, देन उसके बाद जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसी विंडो दिखेगी, उसमें से आपको एक ब्राउजर वाला ऑप्शन दिखेगा, ये देखो यहाँ पे दिया है ब्राउजर, उस पे जाके क्लिक करोगे, जैसे उस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसी विंडो दिखेगी, फिर यहाँ पे आपको फाइल में फाइल नाम देना है और उसके बाद सेव करनी, तो हमारी फाइल सेव हो जाती है। शॉर्टकट की है फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S, कीबोर्ड की कंट्रोल नाम की बटन होती है और उसके साथ एस की बटन। देन उसके बाद ओपन अ डॉक्यूमेंट्स, हमने सेव किए हैं उस फाइल को हमें ओपन करना है, तो उसके लिए हमें कहाँ क्लिक करना पड़ता है, फाइल बटन पे क्लिक करना पड़ता है, देन ओपन ऑप्शन में देखो ये फाइल ओपन किया हुआ है, उसमें से ये वाला न्यू के नीचे वाला ओपन वाले ऑप्शन दिखेगा, जैसे ओपन पे क्लिक कर दूंगी तो हमें ऐसी विंडो दिख जाएंगी, तो उसमें से जो भी फाइल हमें सिलेक्ट करनी है उस पे जाके हम क्लिक कर देंगे, तो हमारी फाइल क्या हो जाती है, देखो यहाँ पे अभी उन्होंने ये सिलेक्ट किया है, और उसके बाद ओपन पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल क्या होती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद इसको बोलते हैं रिबॉन, ये जो पूरा पार्ट से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी पार्ट से उसको हम बोलते हैं रिबॉन। रिबॉन के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टैब्स होते हैं, मतलब होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज, रेफरेंस, मेन पेज, रिव्यू एंड व्यू, इसको बोलते हैं टैब, इसको हम क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। टैब के अंदर ये आपको जैसे ये होम वाला टैब है उसके अंदर फॉन्ट है, पैराग्राफ है, उसके बाद स्टाइल है और एडिटिंग है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है मतलब जो ऐसे यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है, इसको हम बोलेंगे कमांड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, कमांड। तो हमारा जो रिबॉन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर टैब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं एंड कमांड्स होते हैं। देन उसके बाद फॉन्ट, जो हमारा होम टैब में फॉन्ट वाला टैब है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। बी बोल्ड के लिए होता है, आई इटैलिक के लिए होता है, अगर हमें अंडरलाइन देना है तो यू दबाते हैं, यहाँ में अलग स्टाइल होता है, फॉन्ट को कलर देना है तो उसके लिए यू यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। देन आफ्टर वी हैड लर्न द चेंज द डॉक्यूमेंट्स, अभी हमें क्या करना है क्लोज द डॉक्यूमेंट्स, अभी हमें क्या करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए हमें फाइल बटन पे क्लिक करना पड़ता है, एंड देन यहाँ पे क्लोज वाला ऑप्शन होता है, वहां पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल क्लोज हो जाती है, अदरवाइज यहाँ पे क्रॉस वाला साइन दिख रहा है उस पे भी जाके क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल क्लिक क्या होती है, बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो दिस वी हैड लर्न अवर लास्ट क्लास, नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अ करेक्ट वर्ड, तो यहाँ पे वर्ड क्या दिए, डॉक्यूमेंट्स, मिनिमाइज, क्विक असेस, टाइटल एंड वर्टिकल, ये यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द फिलिंग द ब्लैंक्स कोरल बार इज यूज टू मूव द टेक्स्ट अप और डाउन, अगर हमें जो हमारा पेज है, टेक्स है उसको हमें अप एंड डाउन मतलब ऊपर एंड नीचे जाना है, तो उसके लिए हमें कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार पे, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये आपका पेज है, ठीक है, ये विंडो का पेज है, ये देखो वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार से हमारा पेज अप एंड डाउन होता है, ठीक है, मतलब हमने कुछ लिखा है, हमने यहाँ पूरा पेज तक यहाँ तक लिखा है, ठीक है, अभी पेज को मुझे नीचे लाना है तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे, ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए हम वर्टिकल स्क्रोलर बार का यूज करते हैं, वर्टिकल स्क्रोलर बार का यूज पेज को हम अप एंड डाउन करने के लिए करते हैं, किसके लिए, अप एंड डाउन को। अ वर्टिकल स्क्रोलर बार इज यूज टू मूव द टेक्स्ट अप
और डाउन. द वर्टिकल, वर्टिकल का स्पेलिंग VERTICAL, वर्टिकल. वर्टिकल स्क्रोलर बार इज यूज टू मूव द टेक्स्ट अप और डाउन, अप एंड डाउन करने के लिए. ओके. टू सेव अ डॉक्यूमेंट क्लिक द सेव ऑप्शन ऑन द फिलिंग द ब्लैंक्स टूल बार. अगर हमें फाइल को सेव करना है, फर्स्ट टाइम तो हम जब फाइल को सेव करते हैं तो फाइल बटन पे क्लिक करते हैं एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं. देन उसके बाद हमें फिर से फाइल को सेव करना पड़ता है. जब हम वर्क करते हैं तब हमें फाइल को फिर से सेव करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, ये जो देखो क्यू कसेस टूल बार है, इसके अंदर ये वाली सेव वाली बटन्स होती है. कौन सी? ये वाली फर्स्ट वाली सेव वाली बटन्स होती है. तो उस सर ये वाली है, यहाँ पे ये सेव वाली बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल क्या होती है, सेव होती है. सेव क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सडनली क्या चली गई, करंट चली गई, तो हमारी हमने जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सेव करते रहना पड़ता है हमारे हमें क्या करना पड़ता है, सेव करते रहना पड़ता है जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसके लिए. तो उसके लिए जो क्विक असेस टूल बार में ऊपर जो सेव वाला बटन होता है उस पर क्लिक करना पड़ता है. अदरवाइज हमारी शॉर्टकट की भी होती है, हमारी कीबोर्ड की कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल और एस दोनों भी साथ में दबाएंगे तो हमारी फाइल सेव होती है. टू सेव अ डॉक्यूमेंट्स, सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को क्लिक द सेव ऑप्शन ऑन द क्विक असेस टूल बार. जो क्विक असेस टूल बार में सेव ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ता है. टू सेव अ डॉक्यूमेंट्स क्लिक द सेव ऑप्शन ऑन द क्विक असेस टूल बार. क्विक असेस टूल बार का स्पेलिंग QUICK, क्विक ASSSSASS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 S
पास से टूल बार पे हमें क्लिक करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, द फिलिंग द ब्लैंक्स बार इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द वर्ड 2013 विंडो। जो हमारी विंडो है 2013 के, उसके ऊपर क्या होता है, टाइटल बार। आपको दिखाती हूँ, ये जो ऊपर होता है टॉप पे होता है, ये होता है टाइटल बार। टाइटल बार में क्या आता है, टाइटल बार में जो भी हम फाइल को नेम देते हैं वो यहाँ पे टाइटल बार में। जैसे हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं, जैसे ये देखो लेसन, यहाँ पे ये लेसन 7th वाला स्टार्ट हो गया, तो ऊपर लेसन का नाम लिखा है, लेट्स स्टार्ट वर्ड 2013। सेम वर्ड के अंदर भी जो हम फाइल को नाम देंगे वो यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वर्ड लिखा है वहाँ पे नाम आ जाता है, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। वो ये कहाँ पे होता है, वर्ड के टॉप पे होता है। द टाइटल बार इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द वर्ड 2013 विंडो। टाइटल बार का स्पेलिंग TITLE, टाइटल BAR बार। देन डी नंबर, द फिलिंग द ब्लैंक्स बटन इज यूज टू रिड्यूस द विंडो टू स्मॉल आइकॉन ऑन द टास्क बार। अगर हमें क्या करना है, हमारी जो विंडो है उसको टास्क बार के अंदर लाना है, तो उसके लिए हमें मिनिमाइज की बटन दबानी पड़ती है। ये आपकी बटन, ये आपकी विंडो है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मिनिमाइज वाला ऑप्शन है जहाँ पे माइनस वाला साइन दिखता है, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो, ये जो टास्क बार है ये, इसको हम बोलते हैं टास्क बार, तो ये विंडो इस टास्क बार के अंदर आ जाती है। मतलब हमें उसको छोटा करना है तो उसके लिए हमें मिनिमाइज पे क्लिक करना पड़ता है। मिनिमाइज का स्पेलिंग MINIMIZE। द मिनिमाइज बटन इज यूज टू रिड्यूस द विंडो स्मॉल आइकॉन ऑन द टास्क बार। देन क्वेश्चन नंबर ई, यू कैन टाइप टेक्स्ट इन द फिलिंग द ब्लैंक्स विंडो। जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स विंडो। यू कैन टाइप टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स विंडो। तो ये क्या है, विंडो है, और ये व्हाइट वाला प्लेस है जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स विंडो। उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स विंडो। देन क्वेश्चन नंबर टू, राइट द टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड
एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट सही है वहां पे टी लिखना है, जो स्टेटमेंट गलत है वहां पे एफ लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर ए, द वर्टिकल रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो वर्टिकल रूलर है वो लोकेटेड होता है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, तो ये फॉल्स है। जो वर्टिकल रूलर होता है, आपको दिखाती हूँ, देखो वर्टिकल रूलर ये साइड पे है, लेकिन वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वर्टिकल रूलर ये यहाँ पे टॉप पे होता है, ऐसे बोल रहे हैं, तो उसके वजह से वो स्टेटमेंट गलत है। वर्टिकल रूलर कहाँ पे, यहाँ पे है। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स क्लिक द फाइल टैब। अगर हमें न्यू वाले फाइल को क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइल वाले टैब पे क्लिक करना पड़ता है, यस सो दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, टू सेव अ डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है, क्लिक द सेव ऑप्शन ऑफ द फाइल, यस अगर हमें डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है फर्स्ट टैब। हर एक टाइम सेव करना है तो क्यू कसेस टूल बार पे सेव बटन होती है वहां पे क्लिक करना पड़ता है, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करना है तो उसके लिए हमें फाइल टैब पे क्लिक करके वहां पे सेव वाला ऑप्शन होता है वहां पे क्लिक करना पड़ता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। डी नंबर, इफ यू ट्राई टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट्स। अगर हम क्लोज कर रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स को विदाउट सेव, मतलब हमने सेव नहीं किए, तो वर्ड डज नॉट प्रमोट यू टू सेव इट, तो वर्ड हमें प्रमोट नहीं करता है सेव करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब हम क्लोज पे क्लिक करते हैं और हमने फाइल वहाँ पे, अगर हमने फाइल को सेव नहीं किया है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है सेव करने के लिए फाइल को, तो फिर उस पे जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल, देखो जब हम क्लोज कर रहे हैं फाइल और हमने फाइल को सेव नहीं किया तो हमें ऐसा मैसेज बॉक्स आता है, तो उसमें से हमें क्लिक करना पड़ता है। अगर हमें फाइल को सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे, डू नॉट सेव, नहीं सेव करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, तो जब हमारा वर्क फिनिश हो जाता है और हमने हमें हमारे विंडो को क्लोज करना है और हमने फाइल को सेव नहीं किया तो वहाँ पे जैसे हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ऐसी मैसेज आती है तो वो हमें प्रमोट करते हैं। ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डज नॉट प्रोमोट यू टू सेव, वो हमें प्रमोट नहीं करते हैं सेव करने के लिए। अगर यहाँ पे आता वर्ड डज प्रमोट यू टू सेव इट्स तो यहाँ पे ट्रू आता है, लेकिन यहाँ पे डज नॉट प्रमोट टू सेव, इसलिए ये गलत आ गया। देन क्वेश्चन नंबर ई, द अंडो बटन्स कैन बी फाउंड ऑन द क्यू असेस टूल बार। जो अंडो बटन्स होती है, अंडो बटन्स का मतलब हमने ये सेंटेंस लिखा है और गलती से मेरा ये सेंटेंस क्या हो गया है, इरेज हो गया है, तो मुझे वो फिर से लाना है तो उसके लिए हमें अंडो बटन क्लिक करने पड़ते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। ये अंडो बटन होती है, को दिखाती हूँ, ये जो बटन होती है ये अंडो की बटन्स होती है, हमारे स्क्रीन यहाँ पे टॉप पे होती है, ठीक है, जो हमारा क्यूकसिस टूल बार है उसके अंदर ही होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें वर्ड वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर ए लुक एट, द रूलर लोकेटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो यूज टू सेट टॉप एंड बॉटम मार्जिन। हमें एक रूलर का नाम लिखना है जो लोकेट होता है लेफ्ट साइड में, कौन से साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और उसका यूज हम टॉप और बॉटम की जो मार्जिन होती है उसको छोड़ने के लिए करते हैं। तो ये देखो, ये जो वर्टिकल रूलर है उसका यूज हम, ये कहाँ पे है, सबसे पहले लेफ्ट वाले कॉर्नर पे, और उसका यूज हमें यहाँ पे अगर मार्जिन छोड़नी है टॉप एंड बॉटम में, ये बॉटम होता है और ये टॉप होता है, अगर इनके दोनों के बीच में अगर हमें लाइन छोड़नी है तो उसके लिए हम वर्टिकल रूलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, वर्टिकल रूलर। दिस टैब इज लोकेटेड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड 2013। ये वर्ड 2013 के लेफ्ट वाले कॉर्नर पे होता है, वो होती है फाइल बटन, वो क्या होती है, फाइल बटन। ये आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये हमारी सॉरी ये स्क्रीन है और ये लेफ्ट वाली बटन, ये वाली लेफ्ट वाली साइड है और उसके साइड में ये कॉर्नर पे जो है ये क्या है, फाइल टैब है, तो ये लेफ्ट वाले कॉर्नर पे होती है फाइल बटन। दिस प्रेजेंट जस्ट बिलो द टाइटल बार, जो टाइटल बार के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं रिबॉन।
ये हमारा क्या है, टाइटल बार है और उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन ये सब कुछ है इसको हम रिबॉन बोलते हैं। तो ये टाइटल बार के नीचे होता है, रिबॉन का स्पेलिंग RIBBON, रिबॉन। देन क्वेश्चन नंबर डी, द बार प्रेजेंट इज द बॉटम ऑफ द वर्ड 2013 विंडो। एक बार होती है नीचे वर्ड 2013 के नीचे, क्या लिखा है, द बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द वर्ड 2013। जो बार होती है नीचे होती है वर्ड 2013 को, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। आपको दिखाती हूँ, ये जो नीचे होती है बार, इसका यूज हम पेज को क्या करने के लिए, लेफ्ट एंड राइट लेके जाने के लिए होते हैं। ये जो बार होती है वर्ड 2013 के विंडो के नीचे टॉप पे होती है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। देन ई नंबर, द रूलर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विंडो यूज टू साइड लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन आइडेंटिफाइड टास्क। अगर हमें लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हमें मार्जिन छोड़नी है तो उसके लिए हम कौन से रूलर का यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज करते हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, अगर हमें लेफ्ट एंड राइट साइड में, अगर हमें लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, मतलब ये लेफ्ट वाली और राइट वाली साइड, यहाँ पे हमें मार्जिन छोड़नी है तो हम हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर ये है, इससे लेफ्ट एंड राइट क्या होती है, मार्जिन छोड़ी जाती है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। द रूलर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विंडो, ये कहाँ होती है, टॉप पे होती है और उसका यूज लेफ्ट एंड राइट मार्जिन छोड़ने के लिए किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल ऑन क्लिक द फाइल, इसमें से कौन से ऑप्शन फाइल के अंदर होता है, न्यू, ओपन, क्लोज एंड ऑल ऑफ दिस। तो फाइल के अंदर न्यू भी होता है, ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखो फाइल वाले टैब ओपन किए तो उसके अंदर न्यू भी बटन है, ओपन भी है, क्लोज भी है, तो इसके लिए इसका आंसर आता है ऑल ऑफ दिस। इट कंटेन्स द सेव ऑप्शन, इसमें से कहाँ पे सेव ऑप्शन होता है, टाइटल बार, क्यूकसेस टूल बार, हेल्प बटन और ऑल ऑफ दिस। जो सेव ऑप्शन होता है वो क्यूकसेस टूल बार में होता है, ये जो होता है क्यूकसेस टूल बार, उसके अंदर ये सेव वाला ऑप्शन रहता है। इट मूव द नेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट, अगर पेज को हमें लेफ्ट एंड राइट करना है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे क्लिक करते हैं। अभी मैंने बताया था कि पेज को अगर हमें लेफ्ट राइट जाना है, लेफ्ट एंड राइट जाना है, ये लेफ्ट एंड राइट जाना है, तो ये जो नीचे होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, उसको हम क्लिक करते हैं। देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, पेंट में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड और वर्ड 2013 में जितना लिख सकते उतना लिख सकते क्या, नहीं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से है, वर्ड पैड एंड वर्ड प्रोसेसिंग, और तो इसका आंसर क्या आता है, बोथ सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर आता है। द रिबॉन कंटेन, रिबॉन क्या क्या कंटेन करता है, टैब, ग्रुप, बटन्स, ऑल ऑफ दिस। रिबॉन के अंदर टैब्स भी होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं एंड बटन्स भी होते हैं, तो इसका आंसर आता है ऑल ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग, नेम द टू रूलर्स प्रेजेंट इन द वर्ड 2013 हॉरिजॉन्टल विंडो। सो सबको पता ही है कि कौन से टू रूलर्स होते हैं, एक वर्टिकल रूलर एंड एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। वर्टिकल रूलर लेफ्ट साइड में होता है एंड हॉरिजॉन्टल यहाँ पे टॉप पे होता है, ये होता है वर्टिकल एंड ये होता है हॉरिजॉन्टल। अरेंज द फॉलोइंग टॉप बॉटम्स इन द वर्ड 2013 विंडो डॉक्यूमेंट्स विंडो स्टेटस बार एंड टाइटल बार एंड रिबॉन। हमें अरेंज करना है उसको, सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है, टाइटल बार होता है, ये है देखो, सबसे पहले क्या होता है, टाइटल बार होता है, उसके नीचे ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है इसको रिबॉन बोलते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, रिबॉन होता है,
उसके बाद जो व्हाइट वाला एरिया है वो डॉक्यूमेंट्स विंडो होती है, एंड उसके नीचे ये नीचे जो पेज ऑफ वन लिखा है ये क्या है, स्टेटस है। तो सबसे नीचे क्या होता है, स्टेटस होता है। सबसे पहले टाइटल बार, देन रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स विंडो, एंड लास्ट में होता है स्टेटस बार। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हाउ विल यू क्लोज द डॉक्यूमेंट्स विंडो। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स विंडो को क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करेंगे। क्लिक द फाइल टैब, सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। द इन्फो स्क्रीन अपीयर, क्लिक द क्लोज ऑप्शन ऑफ द लेफ्ट पैनल। फिर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक क्लोज वाला ऑप्शन आएगा, उस पर जाके क्लिक करना पड़ेगा तो हमारी विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर डी, नेम द थ्री बटन्स प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार। हमें थ्री बटन्स का नाम लिखना है जो टाइटल बार के राइट वाले साइड में होते हैं। ये टाइटल बार है और उसकी राइट वाली साइड ये है, तो वहाँ पे कौन से थ्री बटन्स होती है, एक तो ये मिनिमाइज की, अदरवाइज इसको मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन बोलते हैं, एंड क्लोज बटन। ये होती है मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन बटन बोलते हैं, एंड लास्ट वाली ये होती है क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज एंड अ क्लोज बटन, ये हमारे कहाँ पे होती है, टाइटल बार के राइट वाले साइड पे होती है। नाउ यहाँ पे स्क्रीन दी है और यहाँ पे एरो दिए है तो हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो ये जो बटन है सर्कल दिया है ये रिपीट बटन है, ठीक है। ये वाली अंडो बटन है और ये सर्कल देख के एरो दिया है, ये रिपीट बटन है। रिपीट बटन मतलब हमने कुछ लिख दिया है और वो गलत हो गया है, हमने इरेज किया, हम पीछे गए, हमें फिर से आगे आना है। हमें अभी पता चल गया कि हमने डिलीट किया था वो ओके है, फिर से वहाँ पे आना है, तो उसके लिए रिपीट बटन। मतलब कभी कभी हम सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि गलत हो गया इसलिए हम इरेज करते हैं, और फिर से हमें लगा कि वो गलत है इसलिए हमने इरेज कर दिया। अभी हमें पता है कि वो सेंटेंस सही था, हम फिर से लिखते हैं, तो उस तब हम क्या कर रहे हैं, रिपीट लिख रहे हैं। तो ये सेम उसका वैसे ही होता है, हमने कुछ सेंटेंस लिख दिया और हमें लगा कि वो स्पेलिंग गलत है इसलिए हमने उसको डिलीट कर दिया, हमें फिर से लाना है क्योंकि हमने इरेज किया, तो उसके लिए रिपीट बटन का यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पे फाइल है, ये फाइल टैब है, ये ऊपर होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। जहाँ पे 1, 2, 3 नंबर लिखा है वो है हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये जो नीचे दिया है ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज मार्जिन छोड़ने के लिए करते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार का यूज पेज को कहा लेफ्ट राइट जाने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन आंसर फ्रॉम लेसन नंबर 7। तो आपको एग्जाम में सभी क्वेश्चन करने, ठीक है, सिर्फ ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये बड़े वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए आपको तीनों भी लेसन के जो क्वेश्चन आंसर बाकी के हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉर, वन वर्ड सेंटेंस, चूज द करेक्ट, ये पूरे करना है। सो पहले तो हम लेसन नंबर 5 के सिर्फ ये वाले क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग और बाकी के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन लेसन नंबर 5 की, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे वर्ड दिए वो हमें पुट करना है। सो नाउ लुक एट हियर, ब्रशेस, कोलर 2, सेव, साइज एंड स्ट्रेट, ये ऑप्शन दिए, ठीक है। द फिलिंग द ब्लैंक्स टूल इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन्स एंड कर दैट हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर ये वर्ड आया है, मतलब ऐसे कौन सा टूल्स है उसका यूज करके हम स्ट्रेट लाइन और कर्व दोनों भी ड्रॉ कर सकते। तो यहाँ पे आता है ब्रशेस, ब्रशेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है ब्रशेस। द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑप्शन इज यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर। अगर हमें बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए हम कोलर 2 पे क्लिक करते हैं, ठीक है। फॉरग्राउंड होता है तो कोलर 1, एंड बैकग्राउंड में देना है तो कोलर 2। क्लिक द फिलिंग द ब्लैंक्स बटन एंड देन सिलेक्ट द थिकनेस फॉर द लाइन। अगर हमें लाइन थिकनेस चेंज करनी है लाइन की तो उसके लिए हम साइज बटन पे क्लिक करना पड़ता है। द लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ अ फिलिंग द ब्लैंक्स लाइन। अगर हमें लाइन ड्रॉ करना है
तो उसके लिए हमें कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करना पड़ता है। कहाँ पे? स्ट्रेट, जो स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन टूल्स होती है, सॉरी द लाइन टूल्स इज यूज टू स्ट्रेट लाइन। अगर हमें स्ट्रेट वाली लाइन ड्रॉ करना है तो उसके हमें लाइन लाइन टूल्स पे क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आता है स्ट्रेट, द लाइन टूल्स इज यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमें स्ट्रेट वाली लाइन ड्रॉ करनी है पेंट में तो उसके लिए हमें लाइन टूल्स पे क्लिक करना पड़ता है। टू सेव अ न्यू ड्रॉइंग, अगर हमें न्यू टू सेव अ न्यू ड्रॉइंग, अगर हमें न्यू ड्रॉइंग पे सेव करना है तो क्लिक द पेंट बटन, पेंट बटन पे क्लिक करके फिर वहाँ पे सेव वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो हमारी फाइल क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। नाउ टू नंबर, राइट द टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड राइट द एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। सो फर्स्ट नंबर, यू कैन ड्रॉ कर्व यूजिंग द लाइन टूल्स। कर्व को यूज करके हम लाइन टूल्स निकाल सकते हैं, फॉल्स है। स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हम लाइन टूल्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्व वर्ड आ गया। क्लिक अ न्यू ऑप्शन पेंट बटन टू स्टार्ट अ न्यू ड्रॉइंग। अगर न्यू ड्रॉइंग ओपन करना है तो पेंट बटन पे जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। यस, सो दिस इज द ट्रू। द पेंसिल टूल कैन ओनली बी यूज अ ड्रॉ लाइन। पेंसिल टूल का यूज लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। यस, सो दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, टू चूज अ लाइन स्टाइल। अगर हमें लाइन की स्टाइल चेंज करनी है तो उसके लिए क्लिक द आउटलाइन बटन, वहां पे आउटलाइन बटन होती है उस पर क्लिक करना पड़ता है, और उसके बाद शेप ग्रुप। तो यस, लाइन की स्टाइल चेंज करने के लिए, लाइन की स्टाइल चेंज करने के लिए अगर थिकनेस चेंज करना है तो साइज बटन पे क्लिक करना पड़ता है। देखो यहाँ पे थिकनेस आ गया, अगर थिकनेस को चेंज करना है तो साइज बटन पे, लेकिन लाइन स्टाइल मतलब वहां पे हमने पढ़ा था कौन सा था, क्रेयॉन कलर की लाइन्स आती है, देन उसके बाद नो कलर की। अगर लाइन स्टाइल चेंज करना है तो लाइन स्टाइल चेंज करनी है तो शेप्स ग्रुप में आउटलाइन करके ऑप्शन होता है। आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखो ये शेप्स ग्रुप है, उसमें से ये आउटलाइन वाला ऑप्शन है, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम लाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रू आता है। यू कैन चूज द फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर इन द कलर ग्रुप। कलर ग्रुप में फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हैं। यस, सो डू स्टेटमेंट इज द ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? वर्ड लिखना है फॉलोइंग। दिस कंटेन द टूल्स यू कैन यूज द ड्रॉइंग। जिसमें टूल्स होते हैं, जैसे ये क्या है, हमारी पेंट की विंडो है। ये जो टूल्स होते हैं उसका यूज करके हम ड्राइंग बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन। सेम वर्ड में भी ये जो टूल्स होते हैं उसका यूज करके हम लिखते हैं उसको भी रिबन बोलते हैं, और पेंट में भी ये जो टूल्स होते हैं उसका यूज करके हम पेंट करते हैं उसको भी हम रिबन बोलते हैं। इट इज द एरिया वेयर यू कैन ड्रॉ। जहाँ पे हम पेंट को ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग एरिया। और जहाँ पे वर्ड पे जहाँ पे लिखते हैं उसको डॉक्यूमेंट्स विंडो बोलते हैं। द ऑप्शन पेंट बटन यूज टू क्लोज द पेंट बटन। अगर पेंट को हमें बंद करना है तो पेंट ऑप्शन पे जाके कहाँ क्लिक करते हैं? एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। टू दिस टूल्स इज यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें कहाँ क्लिक करना पड़ता है? लाइन टूल्स पे क्लिक करना पड़ता है। देन ई नंबर, द ऑप्शन ऑफ द पेंट बटन इज यूज टू ओपन ऑलरेडी सेव ड्रॉइंग। अगर हमें जो पहले हमने सेव की हुई ड्रॉइंग है उसको शुरू करना है फिर से तो हमें पेंट बटन पे जाके ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द मेन पार्ट्स ऑफ द पेंट विंडो आर। पेंट पार्ट्स दो मेन पार्ट्स होते हैं हमारी पेंट वाले विंडो की, एक तो होती है रिबॉन एंड दूसरा होता है ड्रॉइंग एरिया, इसलिए यहाँ पे बोथ वन एंड टू आता है। द टूल्स यूज टू ड्रॉ अ लाइन एंड कर्व इन द पेंट इज आर। अगर हमें कर्व एंड लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम लाइन टूल्स का भी यूज करते हैं, ब्रश टूल्स का भी करते हैं एंड पेंसिल टूल्स का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आता है। देन सी नंबर, द पेंट बटन मेनू कमांड्स इज यूज टू क्लोज द पेंट विंडो इज। अगर हमें विंडो को क्लोज करना है तो उसके लिए हम पेंट बटन पे जाके कहाँ क्लिक करते हैं? एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। द ऑप्शन टू चूज द विड्थ ऑफ द टूल्स इज।
अगर हमने लाइन ड्रॉ की है और उसकी विड्थ चेंज करनी है, मतलब इसकी थिकनेस चेंज करनी है, तो उसके लिए हमें साइज बटन पे क्लिक करना पड़ता है। द ग्रुप दैट कंटेन द लाइन टूल्स, द ग्रुप दैट कंटेन द लाइन टूल्स, लाइन टूल्स कहाँ पे होता है? शेप्स वाले ग्रुप में होता है। तो ये हो गए एक्सरसाइज लेसन नंबर 5। ये नहीं पढ़ा रही हूँ, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। नाउ लुक एट इन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के भी आपको आंसर द फॉलोइंग नहीं करना है, ये 3 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड लिखना है सब, ठीक है। यहाँ पे कोलर वन है, फॉरग्राउंड है, पॉलीगॉन है, टेक्स है एंड शेप्स है। तो क्वेश्चन नंबर ई, इन द कोलर ग्रुप क्लिक द कोलर वन बटन फॉर द फिलिंग द ब्लैंक्स कोलर। अगर हमें कोलर वन में कलर लाना है तो कोलर वन से कलर होता है वो कहाँ पे भरते हैं हम? फॉरग्राउंड, मतलब ये शेप से इसके अंदर भरते हैं फॉरग्राउंड। द फिलिंग द ब्लैंक्स हैव अ डिफरेंट रेडीमेड शेप्स, जिसके अंदर डिफरेंट रेडीमेड शेप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं शेप्स ग्रुप। द फिलिंग द ब्लैंक्स टूल्स इज यूज टू मेक अ कस्टम सेट विद एनी नंबर्स ऑफ साइड, कौन सी ऐसा शेप से उसको हम नंबर्स ऑफ साइड ले सकते हैं? तो ये आता है पॉलीगॉन। वेन यू क्लिक द फिलिंग द ब्लैंक्स टू टेक्स्ट टैब अपियर इन द टूल्स, कौन से टैब पे क्लिक करने के बाद हम टेक्स्ट लिख सकते हैं? तो वो आता है टेक्स्ट टूल पे। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद हम हमारे पेंट में टेक्स्ट को लिख सकते हैं। द फिलिंग द ब्लैंक्स इज कोलर ग्रुप यूज टू बैकग्राउंड कलर, अगर हमें बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो उसके लिए हम कोलर टू पे, देखो कोलर वन पे क्लिक करते तो फॉर ग्रुप कलर एंड कोलर टू पे क्लिक करते तो बैकग्राउंड कलर आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड राइट द एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द कोलर पिकर टूल्स इज प्रेजेंट इन द टूल्स ग्रुप, जो कोलर पिकर होता है ये टूल्स ग्रुप में प्रेजेंट होता है, यस दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू। यहाँ पे आपको दिखाती है, ये होता है कोलर पिकर, ये होता है कोलर पिकर, ये टूल्स ग्रुप में है, यस ये कोलर पिकर है, ये टूल्स ग्रुप में, यस स्टेटमेंट इज द ट्रू। यू कैन नॉट सिलेक्ट अ पार्ट्स ऑफ द ड्राइंग, ड्राइंग का पार्ट्स हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स है, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके हम सिलेक्ट कर सकते। द फिल विथ कोलर इज द पार्ट ऑफ द कोलर ग्रुप, जो फिल विथ कोलर है ये कोलर ग्रुप में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये जो फिल विथ कोलर होता है ये टूल्स वाले ग्रुप में होता है। यू कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ द ड्राइंग, ड्राइंग का साइज इंक्रीज नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट गलत होता है, मैग्नीफायर का यूज करके हम ड्राइंग का साइज बढ़ा सकते। यू कैन नॉट टाइप एनी टेक्स्ट इन द ड्राइंग, हम कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते ड्राइंग में, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हम टेक्स्ट पे क्लिक करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं ड्राइंग में। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, द टूल्स यूज टू फिल सिलेक्ट कोलर इन द क्लोज शेप्स इज, अगर हमें क्लोज शेप्स में कलर फिल करना है तो उसके लिए हमें फिल विथ कोलर पे क्लिक करना पड़ता है। अगर ये क्लोज वाली शेप्स है उसके अंदर कलर फिल करना है तो उसके लिए हम फिल विथ कोलर पे क्लिक कर सकते हैं। द टूल्स इज यूज टू सेट अ करंट फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, जो हमारा फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर जो होता है, मतलब कोलर वन एंड कोलर टू, कोलर वन एंड कोलर टू है, इसके अंदर अगर हमें कलर लाना है तो वो हम कोलर पिकर से ला सकते, किससे? कोलर पिकर से। टू द टूल्स यूज टू मेक अ समथिंग लुक बिगर देन अ एक्चुअल इज एट, अगर हमने ड्राइंग बनाई है, ये ड्राइंग है, इसको हमें एक्चुअल साइज से बड़ा लाना है तो उसके लिए हमें मैग्नीफायर पे क्लिक करना पड़ता है। टू सिलेक्ट एनी स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर पार्ट्स ऑफ द ड्राइंग, ये ड्राइंग है, इसमें से हमें रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पार्ट को क्या करना है? सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्लिक करना पड़ता है। देन ई नंबर, टू ड्रॉ अ कस्टम शेप विथ एनी नंबर्स ऑफ साइड, सो चूज द, अगर हमें नंबर्स ऑफ साइड चूज करने हैं एनी किसी भी ड्रॉइंग के, तो उसके लिए हमें पॉलीगॉन टूल्स पे क्लिक करना पड़ता है। सो दिस इज द लेसन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड लेसन नंबर 5, 6, 7, ओके। एंड वन थिंग्स, यहाँ पे जितने भी शेप्स है, ये टूल्स है, शेप्स है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।